सावन का महीना शुरू होते ही भगवान शिव के भक्त उनकी आराधना में जुड़ जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों की मुरादें पूरी कर देते हैं। इस बार 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने मंदिरों में जाएंगे, जिसको लेकर नगर निगम ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मंदिरों में साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है तथा किसी भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी पाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, जी श्रावण मास के आरंभ के पहले ही इसकी रणनीति बना ली गई थी। सभी शिवालय शिव मंदिरों की सूची बना ली गई है और उन्हें स्वच्छ रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वहां ड्यूटी भी लगा दी गई है, तो नगर निगम का ये पूरा प्रयास रहेगा कि सभी शिवालय सभी भगवान शिव के मंदिरों की खूब साफ सफाई हो, जिससे जो श्रद्धालु आएँ उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। थैंक यू।